ऐसा बैठो व्यू ऑर्गेनिक जामुन सही चल रहा है। कोविड-19 के टाइम पर ट्रैवल करना बहुत ज़्यादा मुश्किल था, लेकिन उससे भी ज़्यादा मुश्किल था कि हम लोग जब इंदौर आएंगे या फिर भोपाल जाएंगे कि यहाँ पर स्टे कहाँ पर करें। डीजे भाई के फार्म हाउस में रहने का ऑप्शन था, लेकिन फार्म हाउस जहाँ पर था वहाँ पर डीजे भाई ने बोला था कि नेटवर्क कनेक्शन थोड़ा वीक है, मेरे को डालना था डेली व्लॉग, इंटरनेट मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता था। तो मैंने ये क्राउन पैलेस होटल डीजे भाई ने रिकमेंड किया, यहाँ पर मैं स्टे किया। बहुत ही अच्छा होटल है, हॉस्पिटैलिटी और क्लीनलीनेस हाइजीन ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ होती है। तब खाना भी जब हम ऑर्डर करते हैं तो भाई बाहर ही दे देते हैं, एंड देन हम खुद यहाँ पर लेके आते हैं। अगर आप इंदौर आ रहे हो तो आप यहाँ पर स्टे कर सकते हो, क्राउन पैलेस होटल इंदौर। वेलकम बैक टू द चैनल एवरीवन, आई होप यू गाइस आर डूइंग एब्सोल्युटली फाइन। आज हम लोग निकलने वाले हैं मुंबई के लिए, शायद मुंबई के पहले कहीं रुक जाए, कहाँ रुके वो मैं आपको जब रुकूंगा पहुंचूंगा तब बताऊंगा। अभी फिलहाल तो मेरा वीडियो जो है जो आपने इसके पहले देख लिया वो अपलोड हो चुका है। टाइम फॉर सम लवली ब्रेकफास्ट, रेडी गाइस? All set, bro. Ready? All set, bro. Unfortunately, Shobhit is not coming with us to Mumbai. Shobhit is going to Bhopal. So Shobhit can take as much as time he wants to get ready, right, Shobhit? बिल भर के चले जाना। और मौसम भी जो है काफी साफ लग रहा है। आई जस्ट चेक द वेदर फोरकास्ट, नासिक में बारिश है, उसके पहले धूले वाले में मुझे कोई बारिश वारिश का आसार नहीं दिख रहे। चलो भाई शोभित, मिलते हैं भाई। सो अभी मैं, शानिस, हैप्पी भाई एंड डैनी भाई, वी आर कनेक्टेड और अपने पैनीज में भर भर के खाना है ऑन द वे के लिए, तो अभी कोई टेंशन नहीं होगा। और हम लोग वहाँ ठहरे थे जो क्राउन प्लाजा लिखा उसके नीचे वाला, बहुत ही सही लोकेशन था। और ये जो बाइक है ये डीजे भाई की बाइक है 750, तो ये कल शोभित लाया था, इन शोभित को चलाने का प्लान था, बट एज आई सेड की प्लान जो है वो कैंसिल हो गया। थैंक यू सो मच, बाय बाय, जल्दी मिलते हैं, बाइक ठीक करो जाते। Right now it's 11:40 in the morning and it's 20 degrees, but धूप में बहुत खड़े रहने की वजह से गर्म गर्म हो रहा है। चलो भाई प्लीज आगे निकलो, मैं निकलो, डैनी भाई आगे निकलो, बहुत गर्म हो रहा है, प्लीज निकलो। चलो निकल गए, एनी ओबी गो, ऑल गुड डैनी भाई, ऑल गुड। जब मैंने डैनी भाई टाइगर ली थी ना तब उन्होंने यही टैंक यही था ना, मतलब मेरा कैमरा बस कैमरा ही जाता था और कुछ जाता ही नहीं था इसमें। खूबसूरत वेदर दिख रहा है टुडे, शाइनेस इज माय गुड लक, लेट्स सी क्या होता है। तो फिल अप भी कर लिया एक्चुअली मेरा हैप्पी और डैन, अभी होपफुली वी विल नॉट स्टॉप। यार ये होता है यू नो, ये एक्चुअली हमको रूम में करना चाहिए था। 413 किलोमीटर्स टू अवर डेस्टिनेशन, माइंड यू दिस इज नॉट मुंबई, वी आर गोइंग इन नासिक, दैट्स व्हाट द प्लान नाउ। जो है हाईवे पे काफी ज्यादा विंड ब्लास्ट है, 120 पे भी, उस दिन जो 160 पे लग रहा था वो है प्रॉब्ली बिकॉज इट्स गोना रेन और व्हाटएवर इट इज, वी डोंट नो। बट रास्ते पे लोग जो है बहुत ज़्यादा आ रहे हैं तो उसके वजह से हम थोड़ा बच के चला रहे हैं, जो भी जैसा भी है, सो फार सो गुड। ऑलराइट गाइस, सो क्रूज को जाने थोड़ा मुंडी बाहर निकाल, ये पीछे शानिस बैठी है, बहुत ही कंफर्टेबल है, ये मेरे बाजू में आओ डनी भाई, यार ये देखो आ गए हमारे, किधर और आ इधर 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 ये आ गए हमारे डरला मैन द डरला किंग, हैप्पी भाई पीछे है वेरी कंफर्टेबली। सो वेदर इज 30 डिग्रीज एज यू कैन सी हियर, बहुत ही मजा आ रही है। शानिस, शानिस कैन यू हियर? थोड़ा सेना में अभी प्रॉब्लम है, बोलता है सेना अकवास है यार, एकदम मतलब सेना इसकी माँ का, हम लोग की मजबूरी करके हम लोग ले रहे हैं। 90 किलोमीटर डन, वी डिसाइडेड टू गेट समथिंग टू ईट स्नैक्स, तो ये हमको पराठा क्या पैक फूड, जस्ट सी दिस, सी द पैकिंग, इधर वाला भी हॉस्पिटैलिटी मान गए भाई। हां यार, कितने डीजे पहने, बहुत प्यार से पैक करके शालू भाई ने खिलाया। फैंस का जो है सेना का बैटरी ट्विस्ट हो गया तो भी चार्ज कर रहे हैं, क्या बोलने का यार, नासिक इज मोर 399 किलोमीटर टू गो। मस्त पराठा और आलू की सब्जी खाने का बहुत अच्छा लगा, लेकिन अभी टेम्परेचर 34 हो गया, क्या गलत है यार, मतलब बारिश की मेरी दुश्मनी क्या है यार। उस दिन जो 34 था उतना गर्म फील नहीं हो रहा है, आज हवा जो है ठंडी है, प्रॉब्लम बिकॉज ऑफ द क्लाउड्स, व्हाटएवर इट इज, यू नो द मीनिंग ऑफ दिस। देखते ही देखते ये विशाल सा काला बादल हमारे ऊपर आ गया और हमें छत्र छाया दे दी, लेकिन ऐसा डर लग रहा है कि इसमें से कहीं बहुत तेज वाले वर्षा ना बरसे, वैसे चलेगा बरस बरसे तो भी, लेकिन मुझे लग रहा है एकदम खतरनाक वाले ठाए 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 वाले बरसेंगे। सो क्लोज टू 200 किलोमीटर्स डन, महाराष्ट्र मेंटेन हो गए, थोड़ी प्यास लगी थी करके रुक गए, मेहूल आया पानी लेके हमको बचाने के लिए। मम्मी के से मेरी बात हुई, मुंबई में बहुत ज्यादा बारिश हो रही है। देखो भाई वर्षों बाद मुंबई में क्या बारिश हो रही है, तूफान निसर्ग का भी आ रहा है ऐसा लग रहा है यार। एंड शानिस का भी अप्रूवल मिल गया, शानिस इज एक्सट्रीमली कंफर्टेबल। इट स्टार्टेड टू रेन फाइनली 129 किलोमीटर्स बिफोर नासिक, इधर रहना चाहिए रुक जाना चाहिए समझ में नहीं आ रहा। ओह माय गॉड, बहुत ही खतरनाक वाला जो है विंड ब्लास्ट चल रहा है, एज यू कैन सी जो मेरी विंडशील्ड है वो पूरी बेंड हो गई है, बहुत ज्यादा बफर हो रही है। गुड रेन, यू नो आई फील नाइस बिकॉज आई एम सो टॉल एंड ह्यूज, पीछे शानिस को बिल्कुल भी बारिश लगी नहीं रही है, बस यहाँ थोड़ा हल्का हल्का गीला होगा, बट दैट विल मैनेज, मेरा गोटेक्स है पानी नहीं जाएगा अंदर। हैप्पी भाई, डैनी भाई और शानिस को रेन गियर पहनना है बिकॉज नहीं नहीं है, है। शानिस के लिए ये गोटेक्स का जैकेट और अपनी ये पैंट देंगे, इसको बंद करते हैं।
ये ले भाई, ये देखो क्या तूफानी बारिश हो गई फुल मुंबई वाली। अरे मेरा टैंक बैग का ये ना उड़ जाए भाई, स्लाइड कैसे करने का। अरे बाप रे बाप, क्या है ये भाई, सही टाइम पे रुका भाई, सही जगह पे। ये अच्छा मैंने अभी इधर से लिया था, इंदौर से, नीचे वाला पार्ट, ऊपर वाला तो मेरा ट्रायम का है। आपको ऊपर का जैकेट चाहिए? हाँ तो नहीं, वो इतना बारिश में नहीं जाएगा, अपना विंडशील्ड काफ़ी है। यानी मैंने तो पूरा हाली डेविडसन का ये सब क्या भाई, इतना ब्रांड मिक्स नहीं करने का। ओहो बाइक क्या लग रही है बहुत सी, बारिश में और अच्छी लगती है। इसको ना इसको अंदर पहनते हैं, पर ठीक है तूने अभी इधर ही पहन लिया है। इसको ये अभी पहन, हेलमेट भी अच्छे से जाएगा और अभी तेरा पानी नहीं जाएगा बिल्कुल भी। सो के जो चीज़ आ जाती है ना बहुत गलत रहता है। वी विल नॉट राइड फास्ट एंड ऑब्वियसली फॉर वॉट। तो इस मोटरसाइकिल में एक रेन मोड है, हम लोगों ने रेन मोड को जो है वो चालू कर दिया है। उससे क्या होगा, थोड़ा थ्रॉटल थोड़ा कंट्रोल में रहेगा, ब्रेक बराबर लगेगा। अगर हम लोग ज़्यादा ब्रेक मारते हैं तो टायर, यू गॉट द पॉइंट राइट, बस यही है। अभी ऊपर वाले ने बोला ले बेटा, बारिश जाए ले, अभी ले भर भर के ले। तो गाइस मैं हमेशा बोलता हूँ जिसने बारिश में नहीं चला उसने ट्रैवल नहीं किया, तो अभी हम लोग बारिश में जा रहे हैं। एंड थैंक यू गॉड कि आपने ना जल्दी दिया ना ज़्यादा लेट दिया, सही टाइम पे दिया। हम लोग सब जो है बहुत इन्जॉय कर रहे हैं, हमारा गियर भी है मस्त, क्या बोलती जानस, नाइस ना। और अभी मेरे लिए तो एक सबसे बड़ी चीज़ है कि टेम्परेचर गिर गया, राइट नाउ इट्स 22 डिग्री सेल्सियस। एंड मैं आप लोगों को बोला जाऊंगा प्लीज डोंट ट्राई दिस, ये करने के लिए मैंने सालों का एक्सपीरियंस लिया है, क्योंकि आपको कुछ हुआ तो मुझे अच्छा नहीं लगेगा। संजय लीला भलजानी बनने के लिए टाइम लगता है। रोहित शेट्टी बनने के लिए ज़्यादा टाइम नहीं लगता। देखो भाई अपना जो फ़ोन है ना वो वाटरप्रूफ है, लेकिन इसका टच स्क्रीन नहीं, तो कुछ भी आड़ा तेड़ा चीज़ कब से दब रहा है और पता नहीं क्या क्या आ रहा है, ये करो वो करो, ये तो दिख भी नहीं रहा कहाँ से जाने का। अरे ऊपर से जाने का, आई एम हैविंग डेजा वू बिकॉज मुझे। और ये नासिक का ब्रिज आ गया है, तो एक काम करते हैं गाइस, अभी सीधा हम अपने डेस्टिनेशन में पहुँचते हैं, तभी मैं आपको मिलता हूँ, बिकॉज अभी बारिश भी जो है बंद हो गई है। तो वी हैव रीच नासिक हार्ली डेविडसन शोरूम के बाहर, यहाँ से वी विल डिसाइड कि कहाँ जाना है। ब्यूटीफुल, दिस इज अ ब्यूटीफुल प्लेस। अंदर ही अंदर, अंदर नासिक के अंदर ही अंदर जा रहे हैं हम लोग, और कितना अंदर जाना है पता नहीं भाई। झाड़ गिर गया, झाड़ चलो बंद कर दिया जाए। पेड़ जो है वो गिर गया है तो उसको ही अपन क्लीन कर रहे हैं। हो गया रास्ता साफ हो गया और हम लोग कहते हैं आई डोंट माइंड गेटिंग स्टक ओवर हियर, ब्यूटीफुल प्लेस, वन ऑफ द बेस्ट प्लेस। और डैनी भाई का प्रॉमिस, डैनी भाई नहीं कर पाए सनसेट वाला, तो अभी डारला बेरी। हेलो मुबारक हो डैनी भाई, मुबारक हो, उठाओ ना आप, उठो ना करके उठा, कम ऑन, एक नंबर प्रोटीन शेक। शाने तू मेरे को मेरे पे विश्वास नहीं रखती है। अरे तो नया बाइक है तो ये सब बाइक ऐसे ही रहते हैं, गिरो फिरो कुछ भी मत करो। हाँ डैनी भाई इतना गाड़ वाड़ क्यों लगाया मैंने। एंड दिस इज द प्लेस वी आर गोना बी स्टेइंग, ब्यूटीफुल प्लेस, ब्यूटीफुल रूम, लुक एट द व्यू। सनसेट डैनी भाई आपका प्रॉमिस पूरा हो गया, तो आई एम गोना पे फॉर डारला एंड हियर इज द सनसेट। नाउ यू गोना टू पे मी डबल। मुझे टाइम लैप्स रोकना पड़ा बिकॉज हल्की हल्की बारिश होना शुरू हो गई। वी आर हैविंग आवर कॉफी। लोग भीग गए लेकिन अपन नहीं भीग गए, सब लोग छू छू के टेस्ट कर रहे हैं भाई, भीगा नहीं, मैं नहीं भीगा। तो अभी ट्रायम का जैकेट पैंट एक डैनी भाई लेंगे। अरे हैवी भाई, हां भाई मैं लूं एक मिनट, नॉट गिविंग मी बैक, डोंट वरी, आई हैव टू। द व्यू इज सिंपली ब्रेथ टेकिंग। अभी हम अपना बाकी का, हाउ डू यू लाइक? ये बहुत जरूरी था, यू नो, आफ्टर ऑल द स्ट्रेसफुल लॉकडाउन थिंग, आफ्टर द लॉकडाउन एंड एवरीथिंग, ऐसा बैठो व्यू, ऑर्गेनिक जामुन सही चल रहा है। मैं आप लोगों को बता रहा हूँ तो कोविड के बाद जिंदगी अच्छी हो जाएगी, उम्मीद की किरण रखो। अरे यहाँ से गाउन खरीदेंगे, यहाँ से खरीदेंगे, किस्मत में थे यहाँ पे आके हमको किसी ने ऑफर कर दिया, हम लोग देख रहे थे यहाँ से खरीदेंगे, यहाँ से खरीदेंगे, क्या नसीब है यहाँ के जामुन मिले, वो भी ऑर्गेनिक। डिनर इज ऑल सेट, तो गाइस आज के लिए बस इतना ही रखते हैं। आशा करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, अच्छा लगा होगा तो डोंट फॉरगेट टू हिट द लाइक बटन, नहीं हो तो सब्सक्राइब का बटन दबा के जरूर चले जाना। विद दैट सेड एज ऑलवेज, शुक्रान अलविदा, मा सलामा, टेक केयर एंड डू व्हाटएवर यू वांट, ऑल लवली फ्रेंड्स। मेहुल हैप्पी, डैनी भाई नीचे गए, कुछ तो बाइक थी केटीएम की, वो मुझे लगा पैसे की बोल रहा है। मेहुल हैप्पी, मुझे लगा मेहुल इज खुश ओनली, मेहुल इज वेरी हैप्पी, कमिंग इज वेरी हैप्पी। अभी मैं बहुत दिन में खा के सो जाऊंगा, चमक है।